दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये प्रैक्टिस डिज़ाइन बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों इसको बनाना। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सॉलिड क्रिएशन कमांड पे जाना है और ये जो थर्ड वाला कमांड है स्पेयर, इस कमांड को सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड पर टाइप करना है 2 mm। तो 2 mm का ये बॉल हमारे पास आ गया है। अब दोस्तों टॉप व्यू पे जाएंगे, हम 1.3 mm का एक सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल को हम ऊपर इस तरह से मूव कर देंगे। अब हम इसका पॉइंट्स ऑन करेंगे और नीचे वाले पॉइंट्स को इस तरह से नीचे मूव कर देंगे। अब अगेन एक सर्कल बनाएंगे, हम इतना बड़ा एक सर्कल बनाएंगे। अब इसको हम ऊपर मूव कर देंगे। अब इसे हम ऑफसेट कर देंगे 0.1 से। अब अंदर वाले कर्व को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम नीचे मूव कर देंगे। नीचे मूव करने के बाद दोनों कर्व को सिलेक्ट करेंगे और पैच कमांड से सरफेस बना देंगे कुछ इस तरह से। अब इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और राइट व्यू में आ जाएंगे। राइट व्यू में आने के बाद स्केल 1 कमांड से हम इसे हल्का से इस तरह से स्केल कर देंगे। स्केल करने के बाद हम टॉप व्यू पे जाएंगे और इसको हम प्रोजेक्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट करने के बाद सरफेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे और ट्रिम कमांड से इस तरह से हम ट्रिम कर देंगे। अब इसको हम ऑफसेट करेंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ऑफसेट करने के बाद फ्लिट एज कर देंगे। अब हम राइट व्यू में जाएंगे। राइट व्यू में जाने के बाद सेंटर में कुछ इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। इसको लाइन को थोड़ा नीचे मूव करेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट सरफेस से इसके सरफेस को हम कॉपी कर लेंगे और दोबारा कंट्रोल जेड में हम आ जाएंगे और उस सरफेस को हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसे ऊपर इस तरह से मूव कर देंगे। अब इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम ऑफसेट कर देंगे और उसके बाद हम फ्लिट एज कर देंगे। अब हम टॉप व्यू पे जाएंगे। टॉप व्यू पे जाने के बाद इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और एरे पोरर कमांड से इसको हम एरे कर देंगे। स्केल करेंगे हम थोड़ा। स्केल करने के बाद इसको हम रोटेट कर देंगे। रोटेट 3D कमांड से रोटेट कर देंगे कुछ इस तरह से। इसको हम अगेन थोड़ा रोटेट करेंगे कुछ ज़्यादा रोटेट हो गया। अगेन रोटेट करेंगे। अब हम इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम ऊपर मूव कर देंगे। बॉल को नीचे मूव करेंगे। अब दोस्तों हम टॉप व्यू पे जाएंगे। टॉप व्यू पे आने के बाद एक सर्कल बनाएंगे हम। एक सर्कल बनाने के बाद अब इस सर्कल से इन सारों को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद उस सर्कल को हम पाइप कमांड से पाइप कर देंगे। अब इसे नीचे मूव कर देंगे और नीचे मूव करेंगे थोड़ा। अब एक कर्व बनाएंगे हम, कुछ इस तरह से कर्व बना लेंगे। पॉइंट्स ऑन करेंगे और इसका हम पॉइंट्स को नीचे मूव करेंगे कुछ इस तरह से। अब सिंपली इस कर्व को हम पाइप कमांड से मेटल बना देंगे। अब इसको हम एरे कर देंगे।
अब एरे करने के बाद राइट व्यू में जाएंगे, एक कर्व बनाएंगे हम कुछ इस तरह से, एक कर्व बनाएंगे। अब इस कर्व को हम पाइप कमांड से मेटल बना देंगे। अब इसके जितने भी हमें हाइट रखनी है वो हम ऊपर नीचे करके इसे रख सकते हैं। इसका भी हम पॉइंट्स ऑन कर लेंगे और इस तरह से इसे हम छोटा बड़ा कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा जो प्रैक्टिस डिज़ाइन है वो अब रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।